दिसंबर 2018 तक 16 महीने में करीब 2 करोड़ रोजगार, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास कंपनियों के वेतन भुगतान संबंधी आंकड़ों से मिली जानकारी। आधारभूत परियोजनाओं, विमानन और पर्यटन समेत सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ काम से बड़े पैमाने पर बढ़ा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के मोर्चे पर दोहराई प्रतिबद्धता, कहा एनडीए सरकार के दौरान हर साल करीब 1,20,00,000 लोगों को मिली नौकरियां। सभी को घर मुहैया कराने के लक्ष्य की तरफ सरकार का एक और कदम। शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,60,000 नए मकानों का होगा निर्माण। योजना के तहत अब तक 79,00,000 से ज्यादा मकान बनाने को मिल चुकी है मंजूरी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। 14 अपीलों के साथ ही अलग अलग याचिकाओं में उठाए गए मामलों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी होगी सुनवाई। और राष्ट्रपति भवन में 2015 से 2018 तक के लिए गांधी शांति पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल एकल अभियान ट्रस्ट और योहेई ससाकावा को करेंगे सम्मानित। अहिंसा के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए सम्मान।